x 3 के करीब आ रही है, वैसे वैसे f of x किसके करीब जा रही है? 6 के करीब जा रही है। यानी कि जो मेरा राइट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल टू 6। समझ आ गया? बढ़िया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ठीक इसी तरीके से अब लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में भी हमने x के कुछ रैंडमली वैल्यूज ले लिए, जैसे कि 2.9, 2.99, 2.9999, 2.9999। तो जैसे जैसे ये 9 बढ़ रहे हैं ना, हम 3 के और पास आते जा रहे हैं, इजंट इट? और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की जब हम वैल्यूज देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, वो भी जो है ग्रेजुअली 6 के करीब आते जा रहे हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ पर इस केस में हम देखते हैं कि हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है। और जब कभी भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता है, हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड पे, यानी कि x इज इक्वल टू 3 के नेबरहुड पे लिमिट एग्जिस्ट करता है फॉर दिस फंक्शन। और उस लिमिट की वैल्यू क्या होगी? यही कॉमन लिमिट की वैल्यू, यानी कि 6। तो अगर मैं वापस अपने क्वेश्चन पे जाऊं कि लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3, इसका वैल्यू होगा क्या? 6। इसका मतलब कोई भी फंक्शन, ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन के हर डोमेन वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है अगर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब तीसरा सवाल जो दिमाग में आ रहा होगा बहुतों के, कि यार इसे हम लिमिट क्यों कह रहे हैं, मतलब वाई द नेम लिमिट? क्योंकि बेसिकली ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन नियर दैट डोमेन वैल्यू। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पर अभी एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स प्लस 3 जो मेरा फंक्शन है, इस केस में मेरा लिमिट का वैल्यू क्या निकला? 6। इसका ये मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 3 के नेबरहुड में मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है? 6। इस फंक्शन का जो वैल्यू है इस पॉइंट के, x इज इक्वल टू 3 के नेबरहुड में, उसका लिमिटिंग वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू इज 6। सिंस इट गिव्स अस द लिमिटिंग वैल्यू, इसीलिए इसका नाम है लिमिट। तो चलो फटाफट से देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है।